एमपी के राजगढ़ से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम सरेड़ी के एक परिवार ने राजगढ़ में संचालित दूध डेयरी कामधेनु से सब्जी बनाने के लिए पनीर खरीदा, लेकिन सब्जी बनाने के बाद सभी परिवार ने सामूहिक भोजन साथ किया। इसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगी व पेट दर्द की शिकायत से परिवार पूरा घबरा गया। सभी जिला चिकित्सालय राजगढ़ में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट किया। इसके बाद जांच में फूड पॉइजन इन्फेक्शन पाया गया। परिवार का कहना है कि कामधेनु दूध डेयरी से हमने 250 ग्राम पनीर लेकर उसकी सब्जी बनाई थी। इसके खाने के बाद पूरा परिवार बीमार हो गया। पा रहे हम पूरे परिवार के, क्या दिक्कत बताई आपको डॉक्टर? इन्फेक्शन बताया खाने में, आपको खाने में इन्फेक्शन है। हमने कुछ नहीं खाई पनीर की। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या खाया था? पनीर खाया, कि पनीर में कोई मिस्टेक आ गई आपके, इन्फेक्शन आया, जांच में बताया। पूरा का पूरा एडमिट है। उनका कहना था कि मार्केट से पनीर लिया था एक काम दूध डेयरी से, उसके बाद से ही खाने के बाद से ही उल्टी दर्द शुरू हो गया। सर इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? जी बेसिकली यह एक फूड पॉइजनिंग का केस है, और यदि पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है तो इसके पीछे दो मुख्य कारण रहते हैं, या तो पनीर संक्रमित है या पनीर शुद्ध नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।